गए थे कमाने के लिए, तो वहाँ से तबियत खराब हो गया, तो गरीबी हालत से हम लोग एक लड़का को हम लोग बेच दिए। हरजन के पास बचल है, एक बच्चा हम लोग के पास रखा हुआ। टोटल कितने बच्चे? 4 बच्चे। बच्चा कितना बेचा? 5,000 में। 5,000 में था तो 5,000 में हम लोग बेच दिए। गरीबी हालत में हम लोग थे। कहाँ घर है आपका? मेरा सिमडेगा घर है। तमाम मुश्किलों का सामना कर 9 महीने तक कोख में बच्चे को संभालने और असहनीय पीड़ा से गुजरकर बच्चे को जन्म देने वाली माँ क्या गरीबी, तंगहाली और बेवसी के आगे इस हद तक मजबूर हो सकती है कि अपने दुधमुहे बच्चे को महज 5,000 रुपये में बेच दे? जी हाँ, गुमला के अंबेडकर नगर में रह रही बेघर गुड़िया देवी के जीवन की दुश्वारियों की दास्ता सचमुच हर किसी को झकझोर कर रख देगी। अपने 1 माह के नवजात बच्चे को महज 5,000 रुपये में किसी अपरिचित के हाथों बेचने को बाध्य हो गई। गुड़िया देवी के 2 अन्य बच्चे खुशबू कुमारी व आकाश कुमार पटना में बिहटा के ईंट भट्टों में कैद है। वही 3 साल की एक बच्ची दिवाली कुमारी स्वयं उसके साथ है। गुड़िया देवी के पहले पति की मौत हो चुकी है, उससे उसके 2 बच्चे हैं। वहीं उसने दूसरी शादी सिमडेगा के बंगरू निवासी बजरंग साहू से की, जो फिलहाल कबाड़ का काम करता है। गुड़िया देवी को दूसरे पति से भी 2 संतान है, हालांकि उसका पति भी फिलहाल उसके साथ नहीं रहता। बेघर गुड़िया देवी, जो कि खुद टीबी रोग से ग्रसित है, उसने अपने साथ रह रही 3 साल की बेटी दिवाली कुमारी को भी बेचने की कोशिश की, पर लोगों के समझाने बुझाने के बाद उसने मन बदल दिया। बेघर होकर भुखमरी से जूझते हुए जैसे तैसे जीवन यापन को बाध्य गुड़िया देवी की करुण कहानी से अवगत होने के बाद मंत्री चंपई सोरेन ने उसकी मदद के वास्ते जिला प्रशासन को निर्देश दिए। जिला प्रशासन की पहल पर सदर SDO व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की टीम अंबेडकर नगर पहुंचकर गुड़िया देवी से मुलाकात की। गुड़िया देवी के अत्यंत नाजुक स्वास्थ्य को देखते हुए कुपोषण व अन्य बीमारियों की आशंका के मद्देनजर SDO ने जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर KK मिश्रा से बात कर उसके इलाज की व्यवस्था कराई। डॉक्टर KK मिश्रा ने तत्काल अपनी टीम के माध्यम से गुड़िया देवी की जाँच पड़ताल व समुचित इलाज का प्रबंध किया। डॉक्टर मिश्रा के मुताबिक गुड़िया देवी TB सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित है, उसे बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। किसी कारणवश काम करने बिहार गई थी, बिहार से पैसा नहीं रहने के कारण अपने 2 बच्चों को छोड़ के आई है, और अभी गुमला में फिलहाल एक बच्चा शायद हुआ था, वो किसी को दे दी है और यह अभी आश्रय गृह में सुरक्षित है। यहाँ पर इसका TB जैसे जानकारी हम लोग को मिली तो हम लोगों ने इसे सदर हॉस्पिटल ले गए और TB की इसकी इलाज करवा रहे। पति से 2 बच्चे थे जिनको इन्होंने बिहार में ईंट भट्टा में काम में लगा दिया है, और अभी 2 बच्चों में से 1 बच्चों किसी को भेज दिया है। तो अभी हमने निर्देश दिया है, यहाँ पे जो सिटी मिशन मैनेजर हैं और जो वार्ड पार्षद हैं, ये साथ में जाएंगे और जिनको इन्होंने बच्चा दिया है वहाँ से बच्चे को रिट्रीव किया जाएगा और बच्चों को जो है सामाजिक सुरक्षा में हम लोग जो भी कार्यक्रम है उसके तहत उनका देखभाल कराएंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो हम लोग थाना का मदद से बच्चा को वापस लेके आएंगे। तो बच्चे के संबंध में ये बात है, जैसा कि यहाँ से पता चला है कि ये लोग मूल निवासी सिमडेगा के हैं, तो नगर परिषद से हम लोग जितना मदद कर सकते थे वो हम लोगों ने किया है। साड़ी, धोती, कंबल जो है DSO साहब के माध्यम से इनको अभी वितरित किया गया है, और हम लोग भी कोशिश यही करें कि हम लोग इनका नज़र रखते रहें। हम लोग अस्पताल में बात करके इनका जो TB का बीमारी है उसका भी इनका जाँच करा देंगे, और जो भी दवाइयाँ हैं इनको हम लोग चलवाएँगे। आश्रय गृह में हम लोग अभी इनको रखेंगे कुछ दिन, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको कहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर सके परमानेंटली, ताकि इनका जो है जीवन निर्वाह भी अच्छे से हो सके, कुछ इन लोग कमा खा सके अपने अपने बल पे। तो इसके बारे में हम लोग अभी सोच रहे हैं कि इनको किस कार्य में लगाया जाए, किस काम में हम लोग इनके पति को या फिर अन्य किसी चीज़ में जोड़े, ताकि ये अपने पैर पर खड़े हो सके और किसी प्रकार के, जैसे कि अभी सूचना मिली कि उन्होंने अपने बच्चे को भेज दिया है, इस प्रकार का काम पुनः ना करना पड़े। और मेरा सभी नगरवासियों से ये भी अपील है कि इस तरह के कार्य में अपना सहभागिता नहीं दे, कोई अगर बच्चा बेचता है तो उसका सूचना हम लोगों को दे, प्रशासन को दे, पुलिस को दे, ताकि हम लोग जो है उचित कार्रवाई कर सके। कि कई बार ऐसा देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चों को ट्रैफिक कर दिया जाता है, मानव तस्करी के तौर पर उनको दूसरे जगहों में भेज दिया जाता है, फिर कोई खबर नहीं मिल पाती है उनकी। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ों को रोका जाए, और इसी में हम लोग चाहते हैं कि सभी नगरवासी भी अपना सहयोग दें। तत्काल सूचना मिला तो इनको सहायता हम लोग को देने के लिए हम लोग इनको सूखा राशन, चावल,
कंबल और साड़ी इनको दिया गया है ताकि आश्रय गृह में ये लोग हैं तो इनको तत्काल किसी तरह खाने पीने का समस्या का सामना नहीं करना पड़े, ओढ़ने का पहनने का समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठंड में कंबल इन लोगों को दिया गया ताकि इन लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। थैंक यू सर। 3:08 में सीबीएफ की ओर सर का मेरे पास फोन आया था कि गुड़िया देवी नाम की एक महिला है जिसका पेपर में कुछ ऐसा आया है, वो जिसको टीबी की बीमारी है, इसे उनके द्वारा बोला गया हम तुरंत टीम भेजे, गाड़ी भेजे, अपना टीबी टीम भेजे और बुलवाए। प्रथम दृष्टया में देखने में लगा कि इसको 3 रोग हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, प्रमलिट हो सकता है या डायबिटिक हो सकता है, लेकिन जांचो उपरांत पाए कि उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। अभी हम सब उसका इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल से, मतलब कि अपने खर्च पे हम घातक के सब जांच करवाए हैं। अभी हम एडवाइस करके उसको सतर्क गुमला में रेफर कर दिए हैं ताकि अभी उसका बीपी भी थोड़ा कम है, डेली आईवी फ्लूड चलेगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स चलेगा और टीबी की दवा चलेगा, तो हमको विश्वास है कि वो महिला ठीक हो जाए। ये देखिए, शरीर की इम्यूनिटी जब कमजोर हो जाती है ना, तो टीबी एक ऐसा बीमारी है जो एक दूसरे से फैलता है। टीबी को लोग हल्के में लेते हैं, टीबी को कभी हल्का में नहीं लेना चाहिए। जहाँ एक टीबी का पेशेंट होता है उससे घर में चांस यही होता है कि उसके सारे परिवार में के सदस्यों को टीबी हो सकता है। तो हमको लगता है कि इसका इम्यूनिटी पहले से कमजोर है, सही खाना पीना नहीं खाई होगी और जिसके कारण यह किसी कांटेक्ट में गई होगी, इसको टीबी होगी। मेरे तब से सब ने टेस्ट करवाया जैसा पहले हमने बताया और उसको सारे एडवाइस दे दिए, हम सीएस सर को भी सूचना दे दिए हैं और इसको हम सदर हॉस्पिटल में भी भेज रहे हैं ताकि इसका हम लोग ब्लड प्रेशर बढ़ाएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी लो है। तो अब प्राइमरी एम है कि उसको ब्लड प्रेशर को हम लोग बढ़ाएं, न्यूट्रिशन दें और एक प्रॉपर सपोर्टिव ट्रीटमेंट और पैलेटिव ट्रीटमेंट करें। हमको उम्मीद है कि वो ठीक हो जाए।